गुड मॉर्निंग ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर 2 रिवीजन. सो जस्ट सी दिस वीडियो केयरफुली. एवरी क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वीडियो, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके, ड्रॉ 7-2 ऑन नंबर लाइन. 7-2 मतलब वी विल गो 7 स्टेप्स फ्रॉम राइट हैंड साइड. फर्स्ट नंबर लाइन पे 7 तक जाएंगे, फिर माइनस है तो हम वापिस आएंगे. कितने वापिस आएंगे? 2 स्टेप. 7-2 है ना, तो हम पहले 7 तक जाएंगे, फिर वापिस कितने स्टेप आएंगे? 2 स्टेप. 1-2 स्टेप्स वापिस आ गए, तो व्हाट वी गॉट? 5. सो 7-2 इज इक्वल्स टू 5. दिस इज अवर आंसर, राइट? दिस इज द वे यू विल यू आर गोइंग टू राइट ऑन अ नंबर लाइन. Now next question is, by suitable rearrangement we has to add this. Suitable rearrangement मतलब हमें देखना है कि 10 कब हो रहा है. 6+4 10 हो रहा है, तो हम इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे. 3+7 10 हो रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. फिर जो आंसर आता है वो हम फाइनल एडिशन करेंगे. Now साहिल डिपॉजिटेड दिस मच रुपीज इन हिज अकाउंट, लेटर ही withdrew दिस मच रुपीज. सपोज ये रुपीज़ आपके पास है और इतने आप निकाल लेते हो, तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट? इतने निकालने के बाद बैंक में कितने पड़े रहेंगे? तो दिस माइनस दिस, सिर्फ माइनस ही करना है हमें. ओके, इन अ फैक्ट्री 3-6 टॉयज आर मेड इन अ डे. एक दिन में कितने टॉयज मिल रहे हैं? 3-6. हाउ मेनी टॉयज विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज? 25 दिन में कितने बनेंगे? यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, दैट मीन्स 3-6 मल्टीप्लाइड बाई 25, ऐसा है ना. एक दिन में 3-6 टॉयज बन रहे हो, तो 25 दिन में इतने ही बनेंगे. मल्टीप्लीकेशन करना है. अब हमें क्या यूज करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यहाँ पे. दिस इज 20+5, तो 3-6 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 3-6 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. ओके, सो इसका आंसर जो भी आता है वो यहाँ पे लिखना है, प्लस इसका आंसर जो भी आता है वो यहाँ पे लिखना है, तो उन दोनों को ऐड कर देना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड चेक कोशेंट. पहले इसको डिवाइड करना है, सिंपल डिविजन करके ऐसे 926190 डिवाइड बाई 123 करना है, एंड देन वी हैज टू चेक विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, एग्जाम टेक्स्ट बुक में है. राइट नेक्स्ट 3 स्टेप्स. 1-8+1=9, 12-1-2. यहाँ पे क्या हो गया? देखो 8 तो कॉमन ही है, तो सब जगह 8 आएगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप विल भी 8 तो आएगा ही. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? 1-1-2, 1-2-3, फिर आएगा 1-2-3-4 प्लस 1-2-3 एंड अगेन 4, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 1-2-3-4-8+1-2-3-4 इज इक्वल्स टू ये 9 के बाद 9-8, 9-8-7, तो 9-8-7-6, राइट? सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस अवर रिविजन ऑफ चैप्टर 2. प्लीज रिवाइज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नंबर्स विल बी डिफरेंट. ओके, नंबर्स में चेंज फ्रॉम हियर. बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे इस चैप्टर में से. वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सारे देखने हैं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा नहीं है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके,